एवरीवन, तो क्या हाल है आप लोगों के? आई थिंक आप सभी के हाल बिल्कुल ठीक होंगे। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पे, अग्निक शाला पे। तो सभी को गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट, जिस भी वक्त आप इन क्लासेस को देख रहे हो, यू कैन एडजस्ट अकॉर्डिंगली। ठीक है, तो लास्ट क्लास में सर, लास्ट टू लास्ट क्लास में हमने स्टार्ट करा था आपका एक चैप्टर, सोर्सेज ऑफ बिजनेस फाइनेंस। ठीक है, चैप्टर नंबर 7 है एज पर माई बुक, ठीक है, माई नोट्स। तो इसके अंदर हमने जाना था कि भैया बिजनेस फाइनेंस क्या होता है, उसके बेनिफिट्स क्या होते हैं, लिमिटेशंस क्या है। फिर हमने पढ़ा कि जो फाइनेंस है वो तीन तरीके का होता है, लॉन्ग टर्म फाइनेंस, शॉर्ट टर्म फाइनेंस, मीडियम टर्म। लॉन्ग टर्म यानी कि 10 साल से ज्यादा के लिए चाहिए तो लॉन्ग टर्म है, 1 से 10 साल के लिए चाहिए तो मीडियम टर्म है, और 1 साल के लिए पैसा चाहिए तो वो क्या है, शॉर्ट टर्म है। ठीक है, फिर हमने क्या पढ़ा लास्ट क्लास में, हमने पढ़ा कि आपका प्रेफरेंस शेयर के बारे में, जो कि लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म का एक सोर्स था। आज हम बात करने वाले किसके, इक्विटी शेयर की। ठीक है, तो मैंने आपको लास्ट क्लास में जो समझाया था, मैंने आपको समझाया था शेयर कैपिटल क्या होता है, शेयर क्या होता है। अगर आपको वो चीज नहीं पता है तो पहले इस वीडियो को देखने से पहले आपको इससे पहले वाली वीडियो यानी कि प्रेफरेंस शेयर वाली वीडियो जरूर देखनी है। ऊपर आपको आई का बटन आ रहा होगा, तो आप चेक कर सकते हो उस वीडियो को। वो वीडियो देखने के बाद ही आप ये वीडियो देखिए, आपको ज्यादा बेटर तरीके से समझ आएगा। ठीक है, आधे घंटे की वीडियो है वो वाली, आप उसको देख लोगे तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी। अदरवाइज आपको इस वीडियो को समझने में थोड़ा बहुत दिक्कत परेशानी आ सकती है। ठीक है, तो लास्ट क्लास में अगर आप लोगों को याद हो, मैंने इक्विटी शेयर के लिए एक डेफिनेशन लिखवाई थी। क्या मैंने ये बोला था, नीचे का रहने दो, सिंपली आपने लिखना था सिंपली इक्विटी शेयर के बारे में क्या, इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। मैंने ये डेफिनेशन आपको लास्ट क्लास में इक्विटी शेयर के लिखवाई थी, क्या इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच आर नॉट प्रेफरेंस शेयर। समझ गए, जो शेयर प्रेफरेंस शेयर नहीं होता उस शेयर को हम क्या बोलते हैं, इक्विटी शेयर। सर ऐसा क्यों? देखो होता क्या है, शेयर सिर्फ दो ही टाइप के होते हैं, एक होता है इक्विटी शेयर, एक होता है प्रेफरेंस शेयर। तो अगर आप दोनों में से एक को समझ जाओ तो दूसरा ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो जब मैंने आपको लास्ट क्लास में प्रेफरेंस शेयर समझा दिया तो भैया उसको समझने के बाद इक्विटी शेयर ऑटोमेटिकली समझ आता है। प्रेफरेंस शेयर क्या थे, प्रेफरेंस शेयर मीन्स दो शेयर विच हैव टू प्रेफरेंशियल राइट्स। दो राइट हुआ करते थे उनके पास स्पेसिफिक, कौन कौन से? पहला सर, जब भी डिविडेंड बांटा जाएगा तो पहले किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाएगा। उसके बाद अगर कुछ बच गया तो हम इक्विटी शेयर होल्डर को देंगे, अदरवाइज हम उनको कुछ भी नहीं देंगे। सेकंड हमने बात की थी क्या, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप, जब आप रीपेमेंट कर रहे होगे कैपिटल का, पैसा वापस कर रहे होगे, तो पहले किसको दिया जाएगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, और उसके बाद अगर बचा तो किसको दिया जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को, अदरवाइज उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। हमने बात जानी थी, और एक बात हमने और जानी थी क्या, कि प्रेफरेंस शेयर्स पे जो रेट ऑफ डिविडेंड होता है वो क्या होता है सर, आपका फिक्स रहता है। ये बात हमने लास्ट क्लास में समझी थी। तो अब जब प्रेफरेंस शेयर समझ आते होगी, इक्विटी शेयर क्या है, इक्विटी शेयर आर दो शेयर विच गेट डिविडेंड ओनली आफ्टर द डिविडेंड इज पेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी रीपेमेंट इज मेड टू देम आफ्टर इट इज मेड टू द प्रेफरेंस शेयर होल्डर। ठीक है, और द रेट ऑफ डिविडेंड इज नॉट फिक्स्ड ऑन इक्विटी शेयर, खत्म कहानी। उसका ऑपोजिट बिल्कुल क्या होगा आपका, इक्विटी शेयर। उसके पास दो राइट थे, इनके पास दो राइट नहीं है। ठीक है, पहले उनको मिलेगा फिर इनको मिलेगा। उसके बाद उसका रेट ऑफ डिविडेंड क्या था, फिक्स था, इनका रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स नहीं है, ये वेरी करता है, बहुत ज्यादा भी मिलता है कभी कभी, कभी कभी कुछ भी नहीं मिलता है। ठीक है, आया ना? तो नीचे ये शेयर कैपिटल वगैरह के बारे में लिखा हुआ है, ये मैं आज चीज आपको नहीं बताने वाला हूँ कि शेयर कैपिटल क्या है, शेयर क्या है। लास्ट क्लास में मैं ऑलरेडी समझा चुका हूँ व्हाट इज शेयर कैपिटल, व्हाट इज शेयर, व्हाट इज द फेस वैल्यू। ठीक है, ये लास्ट क्लास में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो मैं इस पे आज टाइम बर्बाद नहीं करूंगा। आप पुरानी वीडियो देख के आओ, आपको ऑटोमेटिकली बातें वहां पर समझाई हुई है। ठीक है, चलिए सर, तो एडवांटेजेस समझते हैं। सबसे पहले आज हम समझने के लिए जा रहे हैं कि एडवांटेजेस क्या हैं इक्विटी शेयर के, और कुछ नहीं समझना हमने। ठीक है, सबसे पहले समझते हैं एडवांटेजेस। ध्यान रखना, यहाँ पर एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस हम दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ेंगे, यानी कि इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है आपको, फिर आपको कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है। ठीक है, तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। पहला, टू पार्टिसिपेट इन मैनेजरियल एक्टिविटीज। देखो, इक्विटी आपको पता था, प्रेफरेंस शेयर होल्डर में हमने क्या बताया था सर, उनके पास दो प्रेफरेंशियल राइट तो हैं, बट एक राइट उनके पास नहीं होता, क्या, दे कैन नॉट पार्टिसिपेट इन द मैनेजमेंट। ठीक है, कि क्या डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है, क्यों नहीं कर सकते, बिकॉज उनके पास वोटिंग राइट नहीं होता, उनको हमने वोटिंग राइट नहीं दिया हुआ है। तो भैया, अब उनके पास वोटिंग राइट नहीं है तो ऑब्वियसली बात है इक्विटी शेयर होल्डर के पास होगा, तो दे गेट पार्टिसिपेटिंग इन मैनेजरियल एक्टिविटीज। भैया, क्या चीजें करनी है, क्या चीजें नहीं करनी है, कौन सी चीज होनी चाहिए, कौन सी चीज नहीं होनी चाहिए, एवरीथिंग इज इन देयर हैंड। पढ़ते हैं जरा, इक्विटी शेयर होल्डर हैव द फुल राइट टू वोट। ठीक है, एंड अटेंड द मीटिंग्स ऑफ द कंपनी। रिगार्डिंग पार्टिसिपेशन इन द मैनेजमेंट, इक्विटी शेयर होल्डर्स अपॉइंट द डायरेक्टर्स हु रिप्रेजेंट देम। इन अदर वर्ड्स, इक्विटी शेयर होल्डर हैव एन इनडायरेक्ट रोल इन द मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी। समझिए, मतलब क्या है भैया, ऑब्वियसली बात है, मैं फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का मालिक, लाइक फॉर एग्जाम्पल रिलायंस के मेरे पास शेयर है, मैं तो जाके काम नहीं करूंगा ना, मैं तो मैनेजमेंट संभालूंगा नहीं, मैं क्या करूंगा,
जितने भी शेयर होल्डर मेरे जैसे होंगे, हम लोग क्या करेंगे, सारे के सारे मिलके क्या करेंगे, एक बंदे को अपॉइंट करेंगे, एक नहीं बहुत सारे होते हैं, कुछ बंदों को अपॉइंट करेंगे और उनको हम बोलेंगे क्या, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, यानी कि वो लोग वहां पर मैनेजमेंट संभालेंगे हमारे भी आप पे, जैसे जैसे हम बोलते हैं वैसे वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करते हैं, ठीक है, क्लियर है। आगे देखते हैं सेकंड क्या बोलता है, कहते टू अर्न मोर बाय वे ऑफ डिविडेंड। देखो मैंने आपको लास्ट क्लास में एक एग्जांपल भी दिया था, मैं एग्जांपल को फिर से लिख लेता हूं कि फॉर एग्जांपल इस साल जो मेरे पास स्पेयर प्रॉफिट बचा वो बचा 5 लाख रुपया, ठीक है, 1 लाख रुपया आपने बांट दिया डिविडेंड के तौर पर किसमें, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स में, तो कितना बचा, 4 लाख रुपया। ये 4 लाख का 4 लाख किसमें मिलेगा, किसको मिलेगा, सारा का सारा किसका है, इक्विटी शेयर होल्डर का, समझ गए। तो ये लोग क्या करते हैं, डिविडेंड से इतना पैसा कमा लेते हैं जिसकी कोई लिमिट नहीं होती है, ठीक है। तो देखते हैं जरा क्या बोलता है, कहता है बीइंग द रेजिडुअल क्लेमेंट्स ऑफ द कंपनीज इनकम, इक्विटी शेयर होल्डर गेट व्हाटएवर इज लेफ्ट, इक्विटी शेयर होल्डर गेट व्हाटएवर इज लेफ्ट आफ्टर मेकिंग पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिविडेंड डिवेंचर्स एंड डिविडेंड टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, मेनी अ टाइम दिस रेजिडुअल इज वेरी लार्ज एंड सो द इक्विटी शेयर होल्डर्स एंजॉय लार्ज इनकम बाय वे ऑफ डिविडेंड, समझ रहे हो। कहते कभी कभी ये पैसा इतना ज्यादा हो जाता है कि उन लोगों को क्या होता है, बहुत ज्यादा फायदा मिलता है, ठीक है। आगे चलते हैं, कहते सर टू अर्न, जस्ट अ मिनट, चलिए, कहते सर थर्ड पॉइंट बोलता है टू अर्न कैपिटल प्रॉफिट, समझते हैं इसको जरा। कहते वेरी ऑफन ड्यू टू लार्ज प्रॉफिट्स अर्न बाय द कंपनी द मार्केट प्राइस ऑफ द इक्विटी शेयर बिगिंस टू राइज स्टीपली, इन दिस सिचुएशन प्रॉफिट कैन बी अर्न बाय द सेलिंग द इक्विटी शेयर। देखो क्या कह रहा है, फॉर एग्जाम्पल किसी कंपनी का मैंने शेयर खरीदा, मैंने कंपनी का शेयर खरीदा फॉर एग्जाम्पल 50 रुपए, कंपनी हर साल डिविडेंड बांट रही है, अच्छा खासा ग्रोथ कर रही है, और ये शेयर ऐसे ऐसे पहुंच पहुंच के फॉर एग्जाम्पल पहुंच गया कितना, 200 रुपए, कितना पहुंच गया 200 रुपए, तो समझ रहे हो 150 रुपए तो मेरे को डायरेक्ट बेनिफिट हो गया भाई, मैं डिविडेंड का इंतजार ना भी करूं तो मेरे को क्या मिल रहा है, 150 रुपए का क्या मिल रहा है, कैपिटल प्रॉफिट। उस प्रॉफिट को मैं क्या कर सकता हूं, बुक कर सकता हूं, समझ गए। तो ये फायदा है किसको, इक्विटी शेयर होल्डर को, यस और नो, चलिए आगे चलते हैं। कहते सर एडवांटेजेस टू द कंपनी, पहला अरेंजमेंट ऑफ परमानेंट कैपिटल, देखो इन लोगों को पैसा वापस नहीं देना बिकॉज दिस इज अ लॉन्ग टर्म, 10 साल से ऊपर के, ठीक है, इनको पैसा वापस दिया जाएगा कब, जब कल को कंपनी बंद होगी, कंपनी बंद नहीं होगी तो ये पैसा कभी वापस नहीं होगा। एक वक्त पे होता है बायबैक जब करती है कंपनी, बट जनरली बायबैक ऐसे होता नहीं है, ठीक है, तो प्योरली इट इज अरेंजमेंट ऑफ परमानेंट कैपिटल। आगे कहते सर नो फिक्स बर्डन, फिक्स बर्डन नहीं है, आपको याद होगा प्रेफरेंस शेयर्स पे हमने क्या करा था, फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड रखा हुआ था, ठीक है, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, डिविडेंड का रेट फिक्स नहीं है भैया, जितना कंपनी बांटना चाहेगी, ठीक है, मीटिंग में जितना डिसाइड होगा उतना ही मिलेगा, ऐसा नहीं कि आपको फिक्स देना ही देना है, ठीक है, तो देर इज नो फिक्स बर्डन, प्रॉफिट नहीं होता तब भी नहीं देना, ये तो प्रेफरेंस शेयर में भी था, अगर आपको याद होगा प्रॉफिट होगा तो ही प्रॉफिट मिलेगा, तो ही डिविडेंड मिलेगा, प्रॉफिट नहीं है तो डिविडेंड भी नहीं मिलेगा, बोलो समझ आता है क्या, जी सर समझ आता है। आगे चलते हैं, कहते सर इंक्रीज इन क्रेडिट वर्थीनेस, ठीक है, जिसका इक्विटी ज्यादा होता है उसका क्रेडिट वर्थीनेस भी ज्यादा होता है, ठीक है, मार्केट में वैल्यू भी ज्यादा होती है, क्यों समझना जरा, मैं एक बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल एक बिजनेस मैंने स्टार्ट करा 1 करोड़ रुपया से, इसमें 80 लाख रुपए मेरे हैं और 20 लाख रुपए मैंने क्या करा बाहर से लोन लिया है, 20 लाख रुपए मैंने क्या करा बाहर से लोन लिया है। दूसरा एग्जाम्पल ये बिजनेस है, यहाँ पर क्या करा है मैंने, फॉर एग्जाम्पल अपना पैसा लगाया 40 लाख रुपया और बाहर से पैसा लिया कितना 60 लाख रुपया, विच बिजनेस सीम्स टू बी सेफ, सर ऑब्वियस बात है दिस वन, क्योंकि भैया ये वाला सेफ क्यों है, मेरा मालिक का खुद का पैसा कितना लगा 80 लाख रुपए, तो भैया मालिक अपना पूरा एफर्ट लगा के पैसे को बचाने के लिए क्योंकि उसका खुद का पैसा लगा हुआ है। वेर एज सेकंड केस में क्या है, उसका अपना पैसा कम लगा बाहर वालों का ज्यादा लगा, तो वो पता उसके मन में क्या है कि पैसा डूब भी जाएगा तो क्या हुआ, मेरा थोड़ा ज्यादा जा रहा है। तो जितना ज्यादा इक्विटी शेयर होते हैं, जितनी ज्यादा इक्विटी होती है उतना ही कंपनी का जो क्रेडिट वर्थीनेस है वो क्या होता है, ज्यादा होता है, बोलो समझ आता है क्या, हाँ या ना, ठीक है। आगे नेक्स्ट पॉइंट कहता है नो नीड ऑफ मॉर्गेज, ये आपको मुझे बताने की जरूरत नहीं भैया, आपको कुछ भी गिरवी नहीं रखना पड़ता है, आपको शेयर इशू करने कुछ नहीं करना, आपको एक सर्टिफिकेट देना है किसको, इन्वेस्टर को, ऑनर को, कि भैया ये ले तेरा सर्टिफिकेट, इतने रुपए की तूने शेयर खरीदे और ला हमको पैसा दे दे, आपको कुछ भी उसके बदले गिरवी रखने की जरूरत नहीं है, बोलो समझ आता है क्या, यस और नो, यस और नो, बोलिए सर, समझ आता है, बहुत अच्छे। आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं लिमिटेशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ इक्विटी शेयर, ठीक है, लिमिटेशन फॉर इन्वेस्टर, वही बात अभी दोनों तरफ से देखना, मैं इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना है और कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, तो देखते जरा लिमिटेशन फॉर इन्वेस्टर क्या, पहला कहते सर अनसर्टेन इनकम, क्या रेट ऑफ डिविडेंड फिक्स है, नहीं है, प्रॉफिट होगा तभी मिलेगा, और प्रॉफिट में भी पहले किसको बांटोगे, प्रेफरेंस शेयर्स को,
उनके बांटने के बाद उनको बांटने का जो पैसा बचेगा वो इनको दिया जाएगा, यानी कि इनकम जो वो क्या बहुत ज्यादा अनसर्टेन है। ठीक है, ऐसा नहीं कि हर साल मेरे को मेरे शेयर पे इतना पैसा मिलेगा ही मिलेगा, समझिए, गारंटी नहीं है कि आपको डिविडेंड मिलेगा ही मिलेगा, पहली बात तो ये समझिए। तो इनकम क्या बहुत ज्यादा अनसर्टेनिटी, ये सुनो। ठीक है, नेक्स्ट वन कहते सर क्या लॉस ड्यू टू रिसेशन। भैया जब रिसेशन होगा तो ऑब्वियस सी बात है प्रॉफिट नहीं होगा, और प्रॉफिट नहीं होगा तो डिविडेंड कहां से दोगे भाई, समझ आता, सिंपल सी बात है। ठीक है, लॉस ड्यू टू लिक्विडेशन, लिक्विडेशन का मतलब क्या, कंपनी वाइंड अप हो रही है, कंपनी कल को बंद हो रही है। ठीक है, कल को जब कंपनी बंद होगी तो भैया रीपेमेंट का टाइम आएगा, आप समझो कंपनी बंद हुई रीपेमेंट के टाइम कंपनी के पास बचा हुआ फॉर एग्जांपल 10 लाख रुपया, कितना बचा हुआ सर 10 लाख, सारे लायबिलिटी वगैरह पे करने का कंपनी का पैसा बचा 10 लाख रुपया। जो शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं उनको देना है कंपनी ने कितना 8 लाख इक्विटी शेयर होल्डर को। ठीक है, और जो प्रेफरेंस शेयर होल्डर हैं उनको कंपनी ने पे करना है कितना 6 लाख रुपया। प्रेफरेंस शेयर को कितना देना है 6 लाख और इक्विटी शेयर को कितना देना 8 लाख, बट पैसा कितना बचा सिर्फ 10 लाख। तो सबसे पहले किसको पेमेंट होगी, प्रेफरेंस शेयर्स को, तो हमने इनको पेमेंट कर दी कितने की 6 लाख रुपए की, इनको तो पूरा हो गया। अब इसमें से 6 लाख चला गया तो अब बचा कितना 4 लाख। इक्विटी शेयर होल्डर को देना कितना था हमने टोटल 8 लाख, बट इनको दे कितना पाएंगे सिर्फ हम 4 लाख, यानी कि रीपेमेंट कितनी आई सिर्फ 50%। तो अगर कल को कंपनी बंद हो जाती है तो भैया आपकी कैपिटल पूरी वापस नहीं आती जनरली। ठीक है, कंपनी बंद ही क्यों होगी, जब लॉस में होगी तभी तो बंद होगी भाई। ठीक है, आगे लॉस ड्यू टू स्पेकुलेशन, मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि 50 रुपए का शेयर जो वो 200 रुपए पहुंच गया, ऐसा भी तो हो सकता है 50 रुपए का शेयर 5 रुपए पे आ जाए, स्पेकुलेशन है भाई। ठीक है, सट्टाबाजारी है, मार्केट है, शेयर मार्केट है, कभी भी ऊपर जा सकते कभी भी नीचे आ सकते, 50 के शेयर 5 रुपए पे आ गया 45 का लॉस, 90% लॉस है सीधे सीधे, समझ रहे हो कहानी। तो भैया जहां बेनिफिट है वहीं आपका लॉस भी हो सकता है। ठीक, आगे नेक्स्ट कहता नो एडवांटेज ऑफ ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। दिस पॉइंट, ये मैंने एक ऐसा ही पॉइंट आपको पिछली क्लास में भी छुड़वाया है, याद होगा आपको प्रेफरेंस शेयर में, वहां पर मैंने छुड़वाया था क्या नो टैक्स बेनिफिट्स। ठीक है, तो वहां पर भी ये पॉइंट मैंने छुड़वाया और सेम यहां पर मैं ट्रेडिंग ऑन इक्विटी यहां पर भी छुड़वा रहा हूं। क्यों, इससे अगली जो क्लास आएगी डिबेंचर वाली, उस डिबेंचर में मैं आपको ये टॉपिक समझाऊंगा ट्रेडिंग ऑन इक्विटी। तो जब आप वो टॉपिक समझ लोगे तो उसके बाद मैं इस टॉपिक को वापस आऊंगा। ठीक है, तो आपको इसके बाद की वीडियो जरूर देखनी इस पॉइंट को समझने के लिए। आगे कहते हैं सर नो फ्लेक्सिबिलिटी इन कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो प्रेफरेंस शेयर के अंदर क्या था, प्रेफरेंस शेयर के अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर में फ्लेक्सिबिलिटी होती थी, क्यों, क्योंकि वहां पर रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर होते थे। लाइक फॉर एग्जाम्पल मेरे पास कभी पैसा आया तो मैं क्या करता हूं, रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर वालों को क्या करूंगा, उनका पेमेंट कर दूंगा, और जब उनको उनकी पेमेंट हो जाएगी तो पैसा क्या जाएगा उनका वापस, तो प्रेफरेंस शेयर क्या हो जाएंगे कम। बट इक्विटी शेयर के केस में ऐसा नहीं होता है, इक्विटी शेयर की रीपेमेंट कब होती है सर, एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी, या जब आप बायबैक करते हो, और बायबैक जनरली होता नहीं है। तो भैया यहाँ पर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, समझ गए, एक बार इशू कर दिया आप उनका पैसा वापस नहीं कर पाओगे। ठीक है, आगे कहता सर लॉस ड्यू टू इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट, लॉस ड्यू टू इंटरफेरेंस इन मैनेजमेंट, यानी कि भैया जो ऑब्वियस सी बात है इक्विटी शेयर होल्डर आर दे रियल ओनर, क्यों रियल ओनर है भाई, सारा लॉस कौन झेल रहे हैं ये, क्योंकि प्रॉफिट होगा तो सबसे पहले किसको पड़ेगा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर को, उसके बाद कुछ नहीं बचा तो इनको कुछ नहीं मिलेगा, यानी कि दे आर द रियल ओनर, रियल ओनर है तो इनको पार्टिसिपेशन मिलता है मैनेजमेंट में, एक चीज गई तो एक चीज मिल गई, पार्टिसिपेशन मिलता, राइट मिलता है इनको। ठीक है, तो भैया ये क्या करते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं इसमें मैनेजमेंट में, तो भैया जब मैनेजमेंट में इंटरफेरेंस होगा तो कंपनी की जो अंदर की बातें वो बाहर कहीं ना कहीं क्या होंगी, लीक होंगी, समझिए। अब इतने सारे ओनर हैं तो भैया इंटरफेरेंस होगा तो मैनेजमेंट में दिक्कत आएगी। ये सुनो, आगे मोर फ्लोटेशन कॉस्ट, सर व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड, लिख लो इसके आगे, कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड इज टर्म्ड एज व्हाट इज फ्लोटेशन कॉस्ट, यानी कि जब आप इक्विटी शेयर इशू करते हो तो इक्विटी शेयर इशू करते वक्त आपको कुछ प्रोसेस फॉलो करने पड़ते हैं। आप फॉर्मेशन ऑफ कंपनी पे आप जाओगे तो वहां पर हमने एक पढ़ा था कि शेयर कैसे इशू होते हैं, ठीक है, प्रोस्पेक्टस इशू करना पड़ता है, ठीक है, शेयर होल्डर के लिए, ठीक है, अंडरराइटर हायर करने पड़ते हैं, फिर इनको ऑनरशिप देनी पड़ती है, अलॉटमेंट करनी पड़ती है, दिस इज अ लॉन्ग प्रोसेस, तो उस प्रोसेस में बहुत सारा पैसा खर्च होता है, एडवर्टीजमेंट में पैसा खर्च होता है, स्पेशल फाइनेंस डिपार्टमेंट को बिठाना पड़ता है, देयर इज लॉट ऑफ कॉस्ट इन रेजिंग दीज टाइप्स ऑफ फंड, यानी कि कैपिटल फंड जो आपको रेज करना है इक्विटी शेयर से, उसमें क्या आता है, बहुत ज्यादा पैसा लगता है जब आप पैसे को क्या करते हो बिजनेस में लेके आते हो। ठीक है,
कॉस्ट ऑफ रेजिंग फंड इज वेरी हाई इन केस ऑफ इक्विटी शेयर, यस और नो? ठीक है, तो यहीं पर खत्म होता आपका क्या टॉपिक, इक्विटी शेयर। इतना सा टॉपिक था आपका इक्विटी शेयर का। प्रेफरेंस शेयर हमने पिछली क्लास में जान लिया, इक्विटी शेयर हमने इस क्लास में जान लिया, अब अगली क्लास में हम जानेंगे कि आपका डिबेंचर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए, ठीक है, टाटा बाय बाय, गुड नाइट, कीप रिवाइजिंग, कीप लर्निंग। आपको चैनल सब्सक्राइब करना है, वीडियो शेयर करनी है, वीडियो को लाइक करना है, इस पर कमेंट जरूर करना, ठीक है। हम मेहनत करें तो आपको भी अपनी मेहनत दिखानी है, ठीक है बेटा। चलिए सर, तो मिलते हैं आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए टाटा, सी यू, बाय बाय।